करंटली मार्केट में येस बैंक के शेयर को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। इनका सवाल यह है कि क्या येस बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या येस बैंक के शेयर्स को होल्ड करना चाहिए या येस बैंक के शेयर को सेल करने में ही प्रॉफिट है। क्योंकि अगर आप लोग येस बैंक के शेयर को देखेंगे तो येस बैंक के शेयर जो है वो काफी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नेगेटिव ट्रेंड में रहे हैं और उस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरने लगी थी। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे, एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे या 6 महीने के टाइम पीरियड में देखेंगे, तो कंपनी के शेयर की प्राइस लगातार ग्रो करते जा रही है। और इसी के साथ साथ मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर में अट्रैक्टिव रिटर्न्स देखने को मिल सकती है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है और आखिर कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। अब येस बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है ये जानने से पहले अगर आप लोग येस बैंक के मैनेजमेंट को देखेंगे तो येस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो चुका है और करंटली येस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो कोशिश कर रहा है कि येस बैंक का जो डेट है वो कम हो सके और येस बैंक का जो नॉन करंट असेट्स है यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी कि जिससे NPA भी कहा जाता है वो कम से कम हो सके। करंटली येस बैंक के मैनेजमेंट ने बहुत सारे नए नए टेक्निक का इस्तेमाल किया है और बहुत सारे नए अप्रोच का इस्तेमाल किया है जिसकी मदद से येस बैंक का डेट और NPAs कम हो सके। और अगर आप लोग पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस अट्रैक्टिव रही है एज कम्पेयर टू पास्ट। और तो और येस बैंक के मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट मिलेगा और कंपनी के NPAs और कंपनी का डेट कम हो सकता है और इस कंपनी का बिजनेस ग्रो कर सकता है। और अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अगर आप करंटली येस बैंक के मार्केट कैप को देखेंगे तो येस बैंक का करंट मार्केट कैप है 56,000 करोड़ के आसपास का। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 19.8 की, लेकिन करंटली इस कंपनी का जो PE रेशियो है वो 68 का है। मतलब करंटली ये कंपनी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा ओवरवैल्यूड लगती है। अगर इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात की जाए तो इस कंपनी का बुक वैल्यू निकल कर आता है 13.8 का, ROCE 4.94 का है और कंपनी का ROE है 1.99 का। और इस कंपनी के शेयर के फेस वैल्यू की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 1.99 की। पास्ट में येस बैंक के शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल रहे हैं और करंटली अगर आप लोग येस बैंक के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो येस बैंक के शेयर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे गिर चुकी है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि येस बैंक के शेयर में अब प्रॉफिट होने लगा है और कंपनी के शेयर की प्राइस पॉजिटिव परफॉर्म करने लगी है। तो करंटली कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि अगर आप लोग येस बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि अगर आप लोग येस बैंक के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि शॉर्ट टर्म में भी इस कंपनी के शेयर में प्रॉफिटेबल रिटर्न्स कमाने को मिलेंगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन येस बैंक के शेयर जो है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में भी इस कंपनी के शेयर वोलेटाइल रहे। तो जब कभी भी आप लोग येस बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए 2 साल से 5 साल के बीच का, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर येस बैंक के शेयर्स में शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल रहे हैं और आप अपने येस बैंक के शेयर की होल्डिंग को सेल करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।